जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ राजस्थान भवन में मनाया गया, जहां इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला क्राइम ब्रांच की रूबीना मेजवानी द्वारा अतिथि गण को संबोधित किया गया। उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में जानकारी दी। योजना है जो की योजना लागू की जा रही है, उन 650 में महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सशक्त समाज है, सशक्त देश है, लेकिन वही हमारे यहाँ पर यौन उत्पीड़न और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और भेदभाव जैसी घटनाएं जो है हमारे को शर्मसार करती हैं। जो हमारे शर्म समाज में इस चीज ये जो चीज़ें हमारे शर्मसार करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जैसे पेपरमेंट है उसके पेपर स्प्रे होते हैं वो रखें, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा अपने साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कि कहीं भी जा रहे हैं तो वो ऐप्स का यूज़ किया करें करें। उसके अलावा अपने परिवार को ये संदेश दें कि नहीं, हम समाज से लड़ सकते हैं, हम निकलेंगे तो हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दुर्घटित होता है तो उसमें पुलिस प्रशासन प्रशासन का पुलिस का पूरा साथ। तो सतना जिले के अमर पाटन निवासी इंजीनियर तारेश शुक्ला के निवास पर लोकायुक्त ने छापेमारी की और आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई शिकायत पर लोकायुक्त रीवा की टीम इंजीनियर के निवास